पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैट टीईसीटी देखिए पहले इधर उठा है हां इधर इधर उठा है तीसरा इधर उठा है तो फर्स्ट टीम बताएगी कैट का फुल फॉर्म क्या है चलो नेम फुल चलो 10 सेकंड टोटल इफेक्टिव कंट्रोल टेक्नोलॉजी क्वेश्चन नंबर टू What is the benefit of UV protection glass? जो वर्ड लिखा हुआ है ब्रोशर पे या जो ट्रेनिंग में बताते हैं कि क्या है वो वर्ड मुझे कस्टमर को थोड़ा भारी वर्ड दे रहे तो थोड़ा उसको अच्छा लगे जेने हीट अंदर ऊंची आ गई है कूलिंग आउट अंदर चढ़ गई थर्ड कौन था इंफ्रारेड कट ग्लास सुबह सन हायर सनरेज से आ रहा इंफ्रारेड कट ग्लास में इंफ्रारेड जो रेज आ रहा है ना ऊंचा आ रहा है मैंने बोला बुक में जो लिखा है ब्रोशर में लिखा वो वर्ड मेरे को चाहिए इस पे टीम रितेश लास्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं सबके आंसर सही है देसी कूलिंग इंफ्रा एचएसआर कहां पे यारी से पूछेगा इंफ्रा रेड का बराबर है तो सिंपल क्वेश्चन था जो उसमें ब्रोशर में लिखा हुआ है इट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस मेरे को आंसर दीजिए बराबर क्वेश्चन नंबर थर्ड दूसरा में नहीं है तो जीरो थर्ड में ग्लांजा का कौन सा प्लेटफॉर्म है तैयारी देता है फर्स्ट सेकंड थर्ड डी हाई सेकंड प्लेटफॉर्म है पूछा प्लेटफॉर्म हां सेगमेंट नहीं पूछा टेक हां हाई टेक हाई टेक प्लेटफॉर्म हाई टेक हाई टेक प्लेटफॉर्म नहीं सही है हां सही है और किसी को कांटेक्ट नहीं कम्युनिकेशन का आपने पता है कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में लेकिन आंसर सही है तो ये टीम में अभी फिलहाल धवल के ऊपर मार्क्स जाता है लिख दिया अपने कितने क्वेश्चन हुए याद रखना भयो करो दया चौथो क्वेश्चन आवे छे एमा बे आंसर आपवानो छे बे वस्तु नु आखा वाजो समझजो क्वेश्चन है ग्लांजा आईएसजी के ऊपर ग्लांजा आईएसजी मॉडल दो क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद व्हाट इज द पावर एंड टॉर्क ऑफ ग्लांजा आईएसजी मॉडल दिखाने के लिए यूं नहीं ऊपर ही जाना चाहिए तो पता चले आधा उठा कर तो यार पता नहीं चलता की सलाम ही होती है तो पहले रितेश हां देन इधर बराबर के तुम लोग के थे 14 नंबर उठा कोई बात कैसे यही था कि आईएससी मॉडल में क्या उसका आरपीएम है अरे एनएन न्यूटन मीटर क्या बोलते हैं टॉर्क एंड पावर क्या है
पर पावर एंड टॉर्क के साथ में आरपीएम भी चाहिए। हां हां बिल्कुल मिलेगा। तो कौन है इनमें बोलने वाला बंदा? विद्या। चलो इतने आईएससी का पूछा मैंने। 89.7 उसका पीएस है। हम विद 6000 आरपीएम। ओके करेक्ट। सेकंड टॉर्क एंड 113 एनएम। हम टॉर्क। हम आरपीएम का उसमें 6000 नहीं 3500 नहीं 1 2 3 डबल पर डबल जीरो 4 5 तेरे लिए था इसके लिए नहीं था। बा से थर्ड सेकंड पर थर्ड बन गया सेवन है ना बराबर। आईएसी का ये 82.82 आराम से दिए दिया 82.9 पीएस का पावर है 113 एनएम का टॉर्क है आरपीएम 6000 पहले मुझे पावर का पूरा बोल फिर टॉर्क का पावर का आईएसी का पर्टिकुलर बराबर 82.2 पीएस का पावर है 106000 आरपीएम पे 113 एनएम का टॉर्क है जो 44 आरपीएम पे ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। थर्ड नंबर कौन था? पावर 89.7 पीएस 6000 आरपीएम ओके પછી 113 ન્યુટન ટોર્ક છે અને 46 આરપીએમ છે ઓકે ઓકે દોનોં મે 1 2 3 4 5 आंसर भी गलत है और भाई चिंता 89.7 पीएस पावर है 6000 आरपीएम पे 113 एनएम टॉर्क है 4400 आरपीएम बिल्कुल करेक्ट आंसर तो सही था लेकिन तूने ये क्यों डाल दिया What is the wheelbase of Yaris? कौन है तेरे पास? आरोग मैं आरोग 2550 यार बात जोर रखो बोल जो कह रहा है तेरे सब तेरे को भी उठा ले मेरे को लोगे 2550 and boot space of Yaris तीन दम 400 ले actually कैसे नहीं था कि दोनों क्वेश्चन एक साथ थे मैंने अलग अलग पूछ लिया और मात्मा अरे भी फिट मोटे मोटे एक ही का दुकान बॉन्ड का बॉन्ड का नहीं ऐसे एक्चुअली क्वेश्चन साथ में था मैंने तो क्वेश्चन साथ में था पहले भी बात हुई रात आ गई हम पे ही आते हैं ना ये तो भाई आगे आंसर आप यूं थोड़ी हुआ ये ना आउडियो तो क्वेश्चन छोड़ता यारो आप उसको करे ना ये क्वेश्चन पूछवाना था तो सारा एक बार बीचो क्वेश्चन ना आउट होते हैं नहीं नहीं ये अलग क्वेश्चन है ओके आंसर कर पॉइंट बाय पॉइंट बाय आपने ना बीचो बीचो पॉइंट बाय पॉइंट बाय अच्छा पॉइंट मैंने दिया नहीं कि तुम किधर बनने में के इधर सर संबंधित बनने में के आप ही बराबर जल्दी करो कैसे क्या होता है हां छठो है मास ठीक है आप लोग भी मत करो छठा क्वेश्चन है पूरा सुनना What is the boot space and fuel tank of Granja? Ritesh. बराबर ना करे सर ने नीरज सर के साथ पूछा था मैंने कितना टाइम किया तो उन्हें सामने से पिस्ता ही पीना आता है मैं और कोई और खड़ा होगा आज इसलिए मेरे को बोला पूछ रहा है क्वेश्चन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्निंग रेडियस एंड व्हील साइज ऑफ ग्रांजा आज ही पहले आया विजय विजय कर लो ठीक है
टाइम्स टर्निंग टर्निंग रेडियस इन टर्निंग रेडियस एंड व्हील साइज 15 इंच व्हील साइज का है ओके गुड 25 टर्निंग रेडियस 5.1 थोड़ा क्लोज है लेकिन गलत है।
बिल्कुल गलत जवाब बिल्कुल राइट मीटर है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द टर्निंग रेडियस ऑफ यारिस। तू हां अपन साइड वाला देख काय झोप रे यार 5.1 टर्निंग रेडियस बिल्कुल सही जवाब। काकू बोलियो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज द टायर साइज ऑफ एंड हाउ मेनी सिलेंडर एंड हाउ मेनी वॉल्स एंड विच एंजिन कम्स इन यारिस। अर्पित चिंतन रितेश आलो अर्पित चिंतन रितेश आलो आलो क्वेश्चन था क्या टायर साइज है कितने सिलेंडर है कितने वॉल है और कौन सा ये एंजिन है। टायर साइज 15 है अगर 15 ही ना हो से जहां सिलेंडर आओ से 16 वाल आओ से ओके बीजे से व्हाट इज द एक्चुअल एआरएआई माइलेज ऑफ यारिस मैनुअल एंड ऑटोमेटिक बोथ। चिंतन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आई वांट आंसर। चलो चिंतन सिंपल क्वेश्चन है टीम। अच्छा चलो कोई बात नहीं चिंतन कैसे मैनुअल में 17.10 और ऑटोमेटिक में 17.80 ये बिल्कुल सही जवाब है। सर एक सर थोड़ी मिस्टेक था पूछ लो सर। हां पूछिए ना 17.10 है ना 17.80 7 सर 17.8 17.1 बोलो कि 10 बोलो आई देख ले कौन कंफ्यूजन दे What is the power and RPM of Yaris? मुझे पता नहीं है किसका लिखा है दोनों का बोल रहे एक का तो सही निकलेगा पावर एंड उसका ओके और दूसरे का सिंगली का सर पावर है और 4000 6000 6000
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ड्राइवर साइड सीट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट कितने वे है और क्या फील्डिंग करती थी यार इसकी? अभी तो नहीं खड़ा हूँ नहीं तो अच्छी तरह क्लब के रितेश आलो